आज जी नाश्ते में है एक कप दूध, इसके अंदर चिया सीड्स मैंने रात के भिगो के रख दिए थे, एक मैंने डाला है इसके अंदर बनाना, चार डाली हैं स्ट्रॉबेरीज और थोड़े से कोको पॉप्स। आज जी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है कीमा हमारी डाइट के लिए, वैसा मेरे लिए, यहाँ पे रमज़ान के लिए समोसे बनने लगे हैं और ये अबू के लिए बनने लगा है पालक गोश्त, अभी गोश्त गल रहा है और यहाँ जी नाजिया पालक साफ़ कर रही है और ये जी फ्रेश पालक है अब्बू ने भेजी है खेतों से उतरवा के फ्रेश फ्रेश। और इमली की चटनी भी तैयार करके हमने रख ली है ताकि रमज़ान पूरा आराम से गुजर जाएगा। जो लोग कह रहे इतनी जल्दी मैं करवा के सब कुछ रख लेती होती हूँ, टेंशन ख़त्म हो जाती है, जो काम करवाने होते हैं पहले फारिग। ये जी आज का लास्ट पार्सल है, इसके अंदर दो शेड्स आते हैं, ये हेयर कलर शैम्पू है, सबसे पहला शेड है जी ब्लैक और दूसरा है जी डार्क ब्राउन और इसका इस्तेमाल करने का तरीका है जी, इसके अंदर ग्लव्स हैं, आपने ग्लव्स पहन लेने हैं, ये देखें जी ये ग्लव्स निकल गए, ग्लव्स पहन लेने, अच्छी तरह बालों पे लगा लेने और 15 से 20 मिनट उन्होंने कहा होता है अप्लाई करने के लिए, लेकिन 10 मिनट में ही कलर आ जाता है और 4 हफ्तों तक ये आपके बालों में रहेगा। इसके अंदर एवोकाडो ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, जो कि जो बेस्ट चीज़ होते हैं बालों के लिए। इनका ऑफिशियल पेज भी इंस्टाग्राम का मैं इधर लिंक कर दूँगी और जी डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड भी है ये, ज़बरदस्त। चलो जी मैं पेज टैग कर रही हूँ, आप बाकी इन्फॉर्मेशन इनके पेज से जाके लें। बॉक्स के पीछे भी इस्तेमाल का प्रॉपर तरीका बताया गया है, इंग्रेडिएंट्स भी सारे मेंशन हैं और जी अंदर से एक ये पेपर भी निकलेगा जिसके ऊपर इंग्लिश और उर्दू दोनों में बताया गया है किस तरह इस्तेमाल करना है, शेक कर लेना है अच्छे तरीके से, कोई भी आप लोगों ने कलर शैम्पू लेना है उसको शेक किए बगैर इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है जी, शेक कर लेना है और डिस्पेंसर पम्प को 4 से 5 दफ़ा प्रेस करेंगे क्योंकि नया पम्प होता है उसके ऊपर तक आने में टाइम लगता है। और ये कुछ लड़कियां ऐसे करती हैं कि एक दफ़ा पंप को प्रेस किए तो ख़राब है आप ही, ये तो ख़राब है फाउंडेशन का, मैं कहती हूँ आप ही की जान 4-5 दफ़ा प्रेस तो करो फाउंडेशन बाहर आएगी, फिर वो 3 दफ़ा ही प्रेस करते साथ ही फाउंडेशन बाहर आ जाते हैं, इसलिए जो भी नई चीज़ का पंप हमने प्रेस करना होता है ना 3 दफ़ा करेंगे तो बाहर आएगा। ये इसका स्टॉपर लगा हुआ है, इसको ये देखें जी ये उतर गया स्टॉपर, अब इसको 3 दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और जी हमने कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, ग्लव्स पहनेंगे लगाएंगे 10 मिनट या 15 मिनट जितनी देर आपने कलर रखना होगा रखिएगा। आज जी को इतना सख्त दिल कर रहा था ट्रेडमिल मिस कर दूँ और सुकून से लेटी रहूँ बस, लेकिन हिम्मत करके रात के 10 मिनट भी कर ही लेते हैं। सेकेंड लास्ट स्टोरी है आज के दिन की, ट्रेडमिल करूँगी, बाहर पैकिंग हो रही है, पैकिंग की स्टोर लगाऊँगी और फ़ोन को चुप के मारूँगी बेड के ऊपर ताकि आप नानो अकल भी स्टोर लगानी है।